देखिए, मुझे लग रहा है कि अवार्ड एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू का लॉन्ग रन में उसका कोई वजूद नहीं है लॉन्ग रन में, इसलिए कि अब जैसे नमस्ते लंदन है तो उसको कहीं पे भी नॉमिनेट ही नहीं किया, आपको पता भी नहीं है, या मैं जहाँ रहूँ तेरी याद साथ है नॉमिनेट भी नहीं हुआ था, तो अब आज किसी को याद भी नहीं है कि वो नॉमिनेट नहीं हुआ, वो एक लैंडमार्क गाना बन चुका है लोगों के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस वक्त उस मोमेंट के लिए ज्यूरी का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसकी वजह से अवार्ड एक किसी को मिल जाता है। दैट डजंट मीन कि वो जिसको नहीं मिला है वो डिज़र्व नहीं करता, बट लॉन्ग रन में अगर वो गाने में बहुत ज़्यादा दम है तो वो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वो गाने हो या अमजद खान जी को शोले के लिए मिला ही नहीं अवार्ड, तो अब नहीं मिला, बट दैट डजंट मीन कि वो ग्रेट नहीं थे, और जिनको मिला वो ग्रेट नहीं थे ऐसा भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि अवार्ड तो किसी एक को मिलना है। तो वो एक बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू ड्रिवन माइंडसेट है, बट मुझे लग रहा है कि आर्टिस्ट जो बहुत बहुत मेहनत करते हैं, जो ऊपर आते हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। मैं भी सेंसिटिव था, बट आई थिंक विद टाइम आपको अपना ड्यू मिल जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अपना ड्यू मिला नहीं है क्योंकि उसे उस वक्त अवार्ड नहीं मिला, या जिसको मिला अवार्ड वो किसी और की क्रेडिट छीनना चाहता है। तो मैं इस पूरे विवाद को ये बात कहना चाहता हूँ कि इट्स ऑल अ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो मुझे 6 दिखता है वो आपको 9 दिखता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बहस कर सकते हैं, बट उसमें कोई रॉन्ग या राइट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अवार्ड अगर मिला है तो वो डिज़र्व नहीं करते, या जिसे नहीं मिला वो डिज़र्व वो भी नहीं करते, वो भी डिज़र्व करते हैं। सो इट्स अ वेरी पॉइंट ऑफ व्यू ड्रिवन थिंग।